Okay, so next कार्ड दैट वी कम टू इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपको इमेज मैंने शेयर की है कार्ड की। अगर आप इमेज देखेंगे तो देखिए कार्ड में है क्या, देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर। एक काफी ओल्ड एज के और काफी वाइज लग रहे हैं। अगर आप उनकी दाढ़ी और बालों का रंग देखेंगे तो वो सफेद है। ये काफी हद तक विजडम को भी डिपिक्ट करता है, रीजन बीइंग के विजडम सिर्फ ग्रे हेयर से नहीं आती, एक्सपीरियंस से आती है लाइफ के। तो कहा जाता है, और पहले भी लोग कहते थे कि धूप में बाल सफेद नहीं किए, अ वेरी कॉमनली यूज्ड फ्रेज। तो धूप में बाल सफेद नहीं किए का मतलब होता था कि मैम एक जीवन क्वेश्चन के, करूँ, हाँ जी मैं ऐसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैम, जैसे आपसे पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमारे पास पीडीएफ होते हैं, तो कभी कभी आप एग्जाम्पल देते हो, तो हम वो एग्जाम्पल्स पीडीएफ पे लिख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग देखना थोड़ा टफ लगता है, कभी कभी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके होते हैं ना आपको, तो आप इनकेस पीडीएफ जल्दी भेज देंगे, तो हम उस पीडीएफ पे आप जब बोलते हैं तो वो चीज जितना अच्छा क्लियर बता ना, उसमें जो हमें ज्यादा अच्छा लगा हम लिख सकते हैं, उसके लिए अलग से नोट्स नहीं बनाने मैम पड़ते। ऑलरेडी मेरे एंड से मैं दे चुकी हूँ। बाय टुडे और टुमारो एट द मोस्ट यू विल बी रिसीविंग द पीडीएफ। प्लीज इफ यू डोंट माइंड तो सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ऑलरेडी सेंट मैम। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। ओके, तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो ओल्ड एज के पर्सन हैं, इनका जो हम कह रहे हैं, दिस इज एक्सपीरियंसेस दैट मेड दैट पर्सन वाइज। मोर ओवर आप इनके सिर के आसपास एक हलो टाइप देखेंगे, अ ग्लोइंग हलो, राइट। हाथ में इनके लालटेन है एंड ही सीम्स टू बी नॉकिंग द डोर। उसके डोर के साइड में ही आप देखेंगे एक खिड़की है जिसमें से देयर इज अ पर्सन सीन, एक कैट है और पीछे फायर प्लेस पे फायर जल रही है। तो इसका अगर हम जिस्ट निकाले, क्योंकि ये कार्ड्स वेस्टर्न उसमें प्रिंटेड है कंटेक्स में, सो लेट्स कनेक्ट विद दैट ओनली, कि एक बूढ़े या वृद्ध एज के एक साधु जो है वो लालटेन लेके दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, और इस दरवाजे पे कोई कुंडी नहीं लगी है, कोई ऐसा कुंडा दिख नहीं रहा है, वो ऐसे ही नॉक कर रहे हैं हाथ से। जो अंदर एक इंसान खड़ा है वो डिस्ट्रैक्टेड दिख रहा है, क्योंकि वो नॉक के लिए आंसर नहीं कर रहा। देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑन द फेस। अगर आप देखें तो उस इंसान के चेहरे पे कोई भाव नहीं है, वो तो नीचे की तरफ देख रहा है, कुछ भी नहीं है उसके चेहरे पे कि उसे वो नॉकिंग सुनाई भी दी या नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम दो तीन तरीके से निकालते हैं। अब इसको समझिए पहले। कोई भी ऐसा समझदार या कोई भी एनलाइटेंड इंसान आपका दरवाजा नॉक करे और आप उसकी आवाज अनसुनी करें, ये कब कब होता है? ये तब होता है जब हमारी गट फीलिंग हमें बार बार किसी चीज के लिए वार्निंग देती है और हमारे इमोशंस उसे कवर अप करके फिर भी आगे बढ़ने को बोलते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका ये है कि हम अपनी इनर वॉइस या हायर कॉन्शियसनेस या सब कॉन्शियस की वॉइस को दबाते हैं, क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस ने इतने सारे जन्म और इतने एक्सपीरियंसेस देखे, राइट। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा कि वाकई ही डिवाइन सोर्स कैसे ना कैसे आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस आवाज को आप अनसुना कर रहे हैं। जैसे एंजल्स अपनी प्रेजेंस शो करते, हमें तो रोज शो हो रही है, टच वुड एंड थैंक्स टू द डिवाइन एनर्जीज। जब हम क्लास में लॉग इन करते हैं एकदम दिमाग जाता है वहां पे, एंड आई एम एबल टू सी दोज एंजेलिक नंबर्स 1111 इलेवन इलेवन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ चल रही है। अब अगर हम अपनी अवेयरनेस वहां ना ले जाएं, अगर हम उन्हें एक्नॉलेज ना करें, तो शायद कुछ टाइम में वो हमें नजर भी ना आए, राइट। तो हमें क्या करना है? इफ वी आर इग्नोरिंग दिस साइन, इफ वी आर इग्नोरिंग द साइंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिवाइन एनर्जी, तो उसके लिए
हमें अपनी अवेयरनेस को रेज करना होता है, हमें छोटी छोटी बातों को नोटिस करना होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाएंगे और आप बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे। देन होता क्या है, कई बारी हमारी सोल ही हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वहां कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं। क्या हम रेगुलर एक्शन ले रहे हैं? क्या हम उस चीज के लिए अवेयरनेस शो कर रहे हैं? तो मेडिटेशन के थ्रू या आप स्टडीज के थ्रू या अपने एनर्जीज को शिफ्ट करके टुवर्ड्स इटर्नल लव पावर एंड विजन की तरफ अगर आप चेंज करें तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर ही एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, बहुत ही डिवाइन लाइट है जो आपके अंदर ही बसती है। बस आपको करना क्या, आपको उससे कनेक्ट करना है और एक बार ही आप कनेक्ट कर लेंगे तो ये फोर्स आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल देगा। एक इंसान की भी अगर एनर्जी शिफ्ट होती है तो पूरे परिवार की हो जाती है। सो जस्ट अ स्मॉल चेंज रिक्वायर्ड एंड थिंग्स वुड चेंज। अब अगर इसी कार्ड को हम रिवर्स फॉर्म में रखें, आप इसी इमेज को रिवर्स फॉर्म में देखिए, रिवर्सल में क्या रहेगा कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको ऑफ बैलेंस कर देगा, या हो सकता है आप किसी काम में इतने बिजी हो गए हैं कि आपका फोकस खुद से हट गया है, आपने अपने हायर सेल्फ को साइडलाइन कर दिया है, ओकेशनली ही आप कनेक्ट कर पाते हैं। और आपको ये समझना है कि जब तक आप अपनी इटर्नल विजडम को अनलॉक नहीं करेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। इसके लिए हम एज अ रेमेडी क्या कर सकते हैं, हमें गहरी सांस लेके अपनी आंखें बंद करके खुद से कनेक्ट करना है और रियलाइज करना है कि जितना भी टाइम और पावर है वो हमारे अंदर है, अपने खुद की ऊर्जा को पहचानना है ताकि हम उससे काम कर सके, हम उससे सकारात्मकता में लगा सके। तो दिस इज द थॉट बिहाइंड दिस कार्ड। इससे रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज डू आस्क।